इस वीडियो में हम इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव कैसे किया जाता है। उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इरेशनल नंबर्स कैसे दिखते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स को देखिए और इनमें से ये बताइए कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल। आई होप आपने इन नंबर्स को ठीक से क्लासिफाई कर लिया होगा। अब हम इनके आंसर्स देख लेते हैं। तो पहला नंबर था रूट टू और हमें ये पता है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर होता है। इसके बाद था रूट फोर, रूट फोर टू के बराबर होता है और टू एक रैशनल नंबर है। इसके बाद था अंडर रूट ऑफ पी, जहाँ पी कोई प्राइम नंबर है। ऐसे जितने भी नंबर्स हैं रूट पी जहाँ पी कोई प्राइम नंबर हो, ये हमेशा ही इरेशनल होंगे। और हमने जो फर्स्ट नंबर देखा था रूट टू, वो इसी का एक एग्जाम्पल था। इसके बाद था पी बाय क्यू, जहाँ पर पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं और क्यू जीरो के बराबर नहीं हो सकता। ऐसे जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमेशा रैशनल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 2/3, 4/5, 8/7 एट्सेट्रा। तो ऑब्वियसली ये भी इरेशनल नहीं हो सकता। इसका अगला था 0.242424 एंड सो ऑन। हम देख सकते हैं कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग नहीं है, लेकिन ये रिपीटिंग है, क्योंकि 0.24 वाली टर्म बार बार रिपीट हो रही है। ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो रैशनल होते हैं, इसका मतलब ये भी इरेशनल नहीं है। जो लास्ट नंबर था 0.21211211 एंड सो ऑन, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये ना तो टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है। ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनको हम इरेशनल बोलते हैं, इसलिए जो लास्ट नंबर है वो एक इरेशनल नंबर है। प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी पढ़ने से पहले हमें एक और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी हुई है। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर है ए, जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p1, p2, इस तरह से pn तक, जहाँ पे p1, p2, pn तक ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। ये सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 24 को हम लें तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 × 2 × 2 × 3। अब अगर आप a का स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, ये सभी प्राइम फैक्टर्स भी स्क्वायर हो जाएंगे। दैट इज आपके पास आ जाएगा p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, इस तरह से pn स्क्वायर तक। तो अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक ऐसा प्राइम नंबर है p जो a स्क्वायर का फैक्टर है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि p1 p2 से लेके pn तक में से कोई रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 24 स्क्वायर को कंसिडर करें तो इसके कौन से प्राइम नंबर्स फैक्टर्स हैं, या तो 2 या फिर 3। और अब आप ये देख सकते हैं कि अगर p इन सभी प्राइम फैक्टर्स में से कोई एक है तो वो डेफिनेटली a की प्राइम फैक्टराइजेशन में भी आया होगा, क्योंकि a और a स्क्वायर दोनों में प्राइम फैक्टर्स तो सेम ही हैं, बस a स्क्वायर में वो सभी प्राइम फैक्टर्स स्क्वायर हो चुके हैं। तो अब इस चीज़ को आप एज अ थ्योरम समझ सकते हैं। दैट इज, अगर कभी भी कोई प्राइम नंबर p किसी इंटीजर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो डेफिनेटली a को भी डिवाइड करेगा ही। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 3 की बात करें 24 स्क्वायर के केस में, तो आप ये देख सकते हैं कि 3 24 स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो वो डेफिनेटली 24 को डिवाइड करेगा ही, क्योंकि अगर p 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन में रहा होगा, दैट इज 3 अगर 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन में रहा होगा, तभी वो 24 स्क्वायर की प्राइम फैक्टराइजेशन में आ सकता है, अदरवाइज वो आ ही नहीं पाएगा। तो कभी भी कोई प्राइम नंबर p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसको a को हमेशा ही डिवाइड करना पड़ेगा।